हेलो भाई अंकित, आप सभी अच्छे से जानते हैं सुपर बाइक हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता भाई। इतनी महंगी होती है पूछो मत, ऊपर से माइलेज इतना कम, 15 का 20 का, हम जैसे गरीब के लिए बनी नहीं भाई सुपर बाइक है। आइए जानने की कोशिश करते हैं अक्टूबर के महीने में कौन है वो 10 सुपर बाइक जो सबसे ज्यादा पूरे भारत भर में पसंद की गई है, साथ ही उनके इंजन स्पेसिफिकेशन, माइलेज, पावर, ये सब के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। तो मजा तो भाई भरपूर आने वाला है वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखना। रॉयल एनफील्ड इतने सस्ते में मस्त गाड़ी बनाता है, तभी तो यार हर महीने अच्छा खासा बेच लेता है। वीडियो देखो, ये भी पता चल जाएगा भाई किस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ। तो 10th नंबर पे आई है ट्राइडेंट 660। इसमें अपने को 660 सीसी का इंजन मिल जाता है। अक्टूबर के महीने में इस गाड़ी की मात्र 15 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में, यानी दिवाली में 15 लोगों ने खरीदा इस गाड़ी को। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया 660 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो अपने को मैक्सिमम 80 bhp का पावर निकाल के देता है भाई। टॉर्क की बात करते हो तो 64 Nm का टॉर्क, ओ भाई साहब। माइलेज मात्र आपको 15 kmpl तक मिलेगा, मतलब लोग बाग निकाल लेते हैं आराम से। इस गाड़ी का कर्वेट 190 kg के राउंड चला जाता है। मेन बात करते हैं प्राइजेज की, तो ये गाड़ी लगभग 8,53,000 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है दिल्ली के ऑन रोड के हिसाब से। इसका लुक मेरे को एक नंबर लगता है भाई, कुछ भी को एकदम रेट्रो रेट्रो सा। खैर आगे बढ़ते हैं, 9th नंबर पे आई है वर्सेस 650। ये कावासाकी का प्रोडक्ट है। अक्टूबर के महीने में इस गाड़ी की 16 यूनिट बिक पाई है पूरे भारत भर में। इस गाड़ी में अपने को 650 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो अपने को मैक्सिमम 65.7 bhp का पावर और टॉर्क अपने को 61 Nm का निकाल के देता है। माइलेज के बारे में बात नहीं कर सकता भाई, इस गाड़ी का मैंने बहुत रिसर्च करा, नहीं पता चला मेरे को। बाकी कॉर्बेट में मैं आपको बता सकता हूँ, 219 kg इसका कॉर्बेट है भाई। कितनी हेवी है यार ये सब गाड़ियाँ, 8,29,000 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है दिल्ली के ऑन रोड के हिसाब से। ये भी वही 15-16 का माइलेज देता होगा। 8th नंबर पे आई है निंजा ZX10R। अक्टूबर के महीने में इसकी 23 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। ये तो गाड़ी भाई फेमस है यार, लेकिन फिर भी 23 यूनिट मात्र है। प्राइस तो देखो यार, ये हायाबुसा के प्राइस में आती है, 18 लाख रुपए से मिलना शुरू हो जाती है दिल्ली के ऑन रोड के हिसाब से। ये तो भाई माइलेज और भी कम देती होगी यार, पावर इसमें 200 bhp का मिल जाता है, टॉर्क अपने को 114.9 Nm का, ओ माई गॉड क्या ही भागती होगी भाई गाड़ी। कॉर्बेट इसका 207 kg है, मतलब भगाने में एक नंबर होता होगा भाई ये सब गाड़ी, कुछ भी कहो। खैर 7th नंबर पे आई है स्ट्रीट ट्रिपल। अक्टूबर के महीने में इस गाड़ी की 23 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। आप सभी सोच रहे होगे ये सितंबर से क्यों नहीं कंपेयर कर रहा, भाई सितंबर में लिस्ट ही नहीं आया था। आप सभी मेरे चैनल पे रेगुलर होगे तो आपको पता होगा मैं पिछले महीने का टॉप 10 सुपर बाइक का वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि लिस्ट ही नहीं आया था। खैर ये सब छोड़ो भाई, स्ट्रीट ट्रिपल में अपने को पावर मिल जाता है 116.4 bhp और टॉर्क अपने को इसमें मिलता है भाई 29 Nm, मतलब 80 Nm में 1 Nm कम। ये भी मस्त भागती होगी। कॉर्बेट की बात करते हो तो 168 kg इसका कॉर्बेट चला जाता है। माइलेज वही आपको 19-20 का मिलेगा। मेन प्राइस की बात करते हो तो लगभग 10,57,000 अपने जेब से या फिर अपने बैंक से निकाल के देना पड़ेगा इस गाड़ी को लाने के लिए घर पे भाई साहब। 6th नंबर पे आइए टाइगर 900। अक्टूबर के महीने में इस गाड़ी की 27 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। इसके भी कुछ खास बिक्री नहीं हुई। देखो यहाँ पे अगर आप सोचोगे स्प्लेंडर के मुकाबले ये सब गाड़ियाँ बिकेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। स्प्लेंडर कहाँ 80-82 हज़ार की आती है, और ये सब गाड़ियाँ भाई 15 लाख 20 लाख ऐसे आती हैं भाई, कोई कोई गाड़ी 8 लाख 9 लाख की भी आ जाती है। खैर टाइगर 900 में अपने को 900 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो अपने को मैक्सिमम 93.9 bhp यानी 94 bhp का पावर और टॉर्क अपने को 87 Nm का मिल जाता है भाई साहब। माइलेज की बात करते हो तो ये गाड़ी आराम से 24 kmpl तक माइलेज दे देती है, लोग बा कहते हैं। कॉर्बेट इसका 194 kg चला जाता है। बाकी मेन बात करते हो प्राइस की, तो लगभग 15,77,000 ऑन रोड चला जाता है भाई इसका प्राइस, मतलब मोटा मोटी 16 लाख कह सकते हो भाई। इन सब का सर्विस कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा हुआ करता होगा। बात करें अगली गाड़ी की तो 5th नंबर पे आई है सुजुकी की हायाबुसा। अक्टूबर के महीने में इसकी 28 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। सितंबर का मैं आप सभी को नहीं बता सकता यार, बता सकता हूँ, रुको नहीं बता सकता यार, सॉरी, मैं सोचा कि होगा मेरे लिस्ट में। खैर हायाबुसा में अपने को पावर फिगर मिल जाता है 187.3 bhp का और टॉर्क अपने को 150 Nm का मिल जाता है। इस गाड़ी से माइलेज आप 18 kmpl तक निकाल सकते हो। कॉर्बेट इसका मिलता है भाई 266 kg भाई साहब। प्राइजेस की बात करते हो तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते जा रही है, 18,32,000 रुपये आपको देना पड़ेगा सुजुकी को इस गाड़ी को लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर पे आई है कावासाकी की Z900। इसका तो भाई लुक, ओहो मजा आ जाता है भाई फ्रंट से देखने में। अक्टूबर के महीने में इस गाड़ी की 35 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में।
इस गाड़ी में अपने को इंजन मिल जाता है वही 900 सीसी का, जो अपने को मैक्सिमम 123.64 bhp का पावर और टॉर्क अपने को 98.6 nm का मिल जाता है। इस गाड़ी से आप टॉप स्पीड निकाल सकते हो 195 kmph तक। बाकी करवेट की बात करते हो तो 212 kg इसका करवेट है। प्राइस मेन बात करते हो तो 10,05,000 रुपये आपको देना पड़ेगा कावासाकी को इतनी सुंदर गाड़ी लेने के लिए। थर्ड नंबर पे आई है कावासाकी की ही प्रोडक्ट Z650 RS। अक्टूबर के महीने में 35 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। ये भाई हर महीने टॉप 10 में नहीं आती, कभी टॉप 20 में आती है, कभी टॉप 30 में आती है, लेकिन इस महीने बताओ टॉप 10 में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अक्टूबर के महीने में इस गाड़ी की 35 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। इसमें अपने को इंजन मिल जाता है 650 सीसी का, जो अपने को मैक्सिमम 61.31 bhp का पावर और टॉर्क अपने को 64 nm का निकाल के देता है। इस गाड़ी से आप टॉप स्पीड अचीव कर सकते हो 201 kmph तक। करवेट अपने को मिलता है 192 kg। प्राइस की बात करते हो तो 7,80,000 रुपये से इसका ऑन रोड प्राइस शुरू हो जाता है। बात करें अगली गाड़ी की तो सेकंड नंबर पे आई है आपकी और हमारी चहेती कंपनी की CBR650F। अक्टूबर में होंडा ने 47 यूनिट बेचा इस गाड़ी का पूरे भारत भर में। इसमें वही अपने को 650 सीसी का इंजन मिल जाता है। ये इंजन आपको 85.82 bhp का पावर निकाल के देता है। भाई कावासाकी का हमने देखा उसमें 67 bhp ही मिलता है। टॉर्क अपने को 57 nm का मिल जाता है। माइलेज की बात करते हो तो 23 kmph तक आप माइलेज निकाल सकते हो। वहीं करवेट की बात करते हो तो 211 kg इसका करवेट है। प्राइस इसका लगभग 10,50,000 रुपये ऑन रोड चला जाता है। ये भी गाड़ी मस्त दिखती है भाई फ्रंट से। यार मैंने इन सब गाड़ियों को कभी अपने आँख से नहीं देखा रियल में, वीडियो वगैरह में तो बहुत ही देखता रहता हूँ। खैर बात करें फर्स्ट पोजिशन पे आने वाली गाड़ी की तो वो है भाई रॉयल इनफील्ड की 650 ट्विन्स। इसमें अपने को इंटरसेप्टर मिल जाता है, कॉन्टिनेंटल मिल जाता है। दोनों गाड़ियों को कंबाइन अक्टूबर के महीने में 1858 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सितंबर का तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ उससे पहले अगस्त का बता सकता हूँ 1400 कुछ यूनिट बिकी थी, क्योंकि मेरे को याद है भाई। इन दोनों गाड़ियों में अपने को सेमी इंजन मिल जाता है 650 सीसी का, जो अपने को मैक्सिमम पावर निकाल के देता है 47 bhp और टॉर्क अपने को 52 nm का मिल जाता है। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को दिखाया नहीं था कॉन्टिनेंटल। माइलेज की बात करते हो तो 23 kmph तक लोग बाग निकाल लेते हैं, उनके ओनर भी बता ही रहे थे हाँ 20-22 तक मिल जाता है। करवेट की बात करते हो तो 202 kg इसका करवेट चला जाता है। हालांकि देखो नॉर्मल वेरिएंट लेते हो तो 202 kg, अगर आप टॉप वाला मॉडल लेते हो कॉन्टिनेंटल तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। प्राइस की बात करते हो तो वही 3,33,000 रुपये से शुरू हो जाती है और वहीं 4,00,000 रुपये तक आपको कॉन्टिनेंटल मिलता है। इंटरसेप्टर स्टार्ट होती है भाई 3,33,000 रुपये से। ये दोनों गाड़ियाँ मेरे को बहुत ही मतलब वैल्यू फॉर मनी लगती है भाई। मतलब 4,00,000 के अंडर में इतना पावर आपको मिल जाता है, इतना अच्छा लुक मिल जाता है, कैफे रेसर टाइप का एकदम मजा सा जाता है भाई देख के। रोड पे कभी देखना आप, सबसे अलग दिखती है, रफ एंड टफ वाला फील आता है भाई। फाइबर वगैरह कहीं पे नहीं है, सारा मेटल ही मेटल आपको मिलता है, लोहा एकदम। तो यहाँ पे हम सभी ने 10 उन सुपर बाइक के बारे में जान लिया जो अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा बिकी है पूरे भारत भर में। रॉयल इनफील्ड का सेल्स फिगर देख के मजा सा जाता है भाई। मतलब बताओ 4,00,000 की गाड़ी है फिर भी 1858 यूनिट, ओहो अच्छा खासा ये लोग इनकम करते हैं भाई। तो यही थी भाई वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरे को तो बहुत ही मजा आया भाई, आई होप आपको भी मजा आया होगा। चलो बाय।